हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये एक न्यू ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। और कोर्स में क्या क्या होने वाला है वो तो आगे चल के मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इससे पहले मैंने बेसिक जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोर्स बनाया था जिसके अंदर 87 वीडियोज है। अगर वो नहीं देखी है आपने तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाएं एंड देखें। उसमें मैंने आपके एग्जांपल्स के साथ में आपको पूरा थ्योरी के साथ में चीजें कवर करी हुई है, एक एक स्टेप्स और सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में। ओके, अब एडवांस जावास्क्रिप्ट आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे, और इसके जो फ्रेमवर्क है, जो लाइब्रेरीज हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इसमें इजी जॉब मिल रही है फ्रंट एंड के अंदर और बैक एंड के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की जो वीडियो है ये है पार्ट वन गाइस। इसके अंदर मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। ओके, एंड जैसे कि गाइस मैंने हर बार बताया ये आपका कि जब कभी भी मैं कोर्स बनाता हूं, अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि लाइव एग्जांपल्स भी मैं आपको रखूं इसके अंदर, हर एक टॉपिक के साथ में एक लाइव एग्जांपल होगा आपका। और आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी, आपके ट्विटर के, इंस्टा के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम के, सारी कम्युनिटीज आपको लिंक्स मिलेंगी। नीचे जाएं, फॉलो कर लें कोड फॉर एजुकेशन को, आपका जो भी डाउट होगा डायरेक्टली आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं वहां पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट की, जो मैंने पहले बता रखी है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा चीजों का, कि जिससे कि आपको रिमाइंड कर सकें कि जो आपने पिछला पढ़ा था वो आपने क्या याद करना है, क्योंकि अब जो मैं चीजें पढ़ाने वाला हूँ ये सारी की सारी चीजें इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएगी ही। ओके, तो सबसे पहले आपकी जावास्क्रिप्ट कब क्रिएट हुई थी, वो हुई थी आपके 1995 में। ब्रिटन ईच करके पर्सन है जिन्होंने ये बनाया था, जो इंजीनियर थे आपके नेट स्पेस के। नेट स्पेस एक कंपनी थी जो कि आपने खुद के लिए डेवलप करा था, उन्होंने ये पहले कोड, और उस कोड का नाम था आपका लाइव स्क्रिप्ट, जिसको बाद में जाके इन्होंने चेंज करके जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह प्रेजेंट करा दुनिया के सामने। ओके, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे यहां पे, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आपका, इट्स डिजाइन टू रन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन अ होस्ट एनवायरमेंट एंड इट्स अप टू द होस्ट एनवायरमेंट टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द मोस्ट कॉमन होस्ट एनवायरमेंट इज द ब्राउजर। सिंपल है, ऊपर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो जो लैंग्वेज है आपकी, ये किसमें सबसे ज्यादा चलती है, इसको एनवायरमेंट चाहिए होता है। और सबसे इजी एनवायरमेंट क्या है आपके पास में, ब्राउजर। वो ब्राउजर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, या जितने भी आपके पास में मिलते हैं अदर्स। ओके, तो ये है आपकी छोटी सी हिस्ट्री जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि कब कब लॉन्च हुई। जैसे कि आपने देखा 1995 में तो उन्होंने बना लिया था, बट इसका जो ऑफिशियल जो इन्होंने हैंड ओवर किनको करा, एक्मा स्क्रिप्ट को। अब एक्मा आपने बहुत सुना होगा, आपने ES6 सुना होगा कि ES6 आ गया, ES65 है, ES7 है, 8 है, 9 है, प्रीवियस वर्जन में 5, 4, 3 ये सब चलते थे आपके, राइट। तो एक्मा है क्या, एक्मा क्या है आपका, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, तो इन्होंने क्या करा नेट स्पेस वालों ने, कि जब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया सारा का सारा कोड इनको दे दिया, देन उसके बाद में जितने भी वर्जन आ रहे हैं वो इनके थ्रू ही आ रहे हैं। ओके, और इसकी फुल फॉर्म है एक्मा की आपकी यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहला वर्जन आपका आता है आपका 1997 के अंदर, फर्स्ट एडिशन उसे कहते हैं हम। सेकंड आपका आता है 1998 में। ओके, फिर आता है आपका थर्ड, जो जिसे ES6 बोलते हैं हम, 1999 में। फोर्थ कभी रिलीज ही नहीं करा इन्होंने, डायरेक्टली इन्होंने रिलीज करा आपका 5, और 5 कब करा इन्होंने, 2009 के अंदर, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो और जो कोर्स है उसके अंदर पूरा कवर कर लिया। अब बारी है कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ES6 के बाद जब जो चेंज आया सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर, जब चेंज आया वो है 2015, जब जावास्क्रिप्ट ने अपना ES6 वर्जन लॉन्च करा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। ओके, और उसके बाद से मार्केट में फ्रंट एंड के अंदर जो बूम आया वो आपको भी पता है, और दैट्स व्हाई कि आप ये ट्यूटोरियल देख भी रहे हैं, ठीक है। ES7 आया फिर उसके बाद 2016 में कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ में। 8 आया आपको 2017 के अंदर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड बाय साइड डिस्क्रिप्शन छोटे छोटे मैंने रखे हुए हैं। एंड 9 आया आपका 2018 के अंदर। ओके, और भी वर्जन आएंगे फ्यूचर में, बट हम मैं कोशिश करूंगा जितनी भी चीजें हूं कवर कर सकूं विद एग्जांपल्स, कि जिससे कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सके और एक अच्छा कोर्स आपको मिल सके। दैट्स वाई इस कोर्स को मैंने रखा है द मास्टर कोर्स। ओके, इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट,
व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, ओके, सबसे मेन टॉपिक है आपको ये कोर्स क्यों देखना चाहिए, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कवर करने वाला हूँ वो है आपका जावास्क्रिप्ट ES6 एंड लेटर वर्जन, जो उसके बाद के वर्जन है, इस सारे के सारे कवर करेंगे हम इसके अंदर वो, एंड देन इसके बाद में मैं एडवांस आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सिखाऊंगा, जो कि मैंने प्रीवियस में नहीं सिखाया था, ध्यान रखिएगा, बट इसमें कवर करेंगे आपके एडवांस के साथ में चीजें कि कैसे काम करता है वो। थर्ड इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा आपका न्यू एडवांस इवेंट्स एंड वेब एपीआईज के बारे में कि वेब एपीआईज है क्या और इवेंट्स कैसे काम करते हैं आपके, एंड देन इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका डोम्स न्यू मेथड्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में, ओके, ये सारी की सारी चीजें होने वाली है, ओके। अब आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिएक्ट आपको दिख रही होगी, एंगुलर और Vue.js, ये मैंने तीन इसलिए रखे, मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क हैं, आपके रिएक्ट लाइब्रेरी है आपकी, ध्यान रखिएगा एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है एंड Vue.js भी आपका फ्रेमवर्क है, बट आपने देखा है मार्केट में 90% आप कह सकते हैं या 85% कह सकते हैं रिएक्ट ने आपका कैप्चर कर रखा है मार्केट को, 10% आपका एंगुलर है, फिर उसके बाद में Vue.js। ऐसा नहीं है कि इनकी पॉपुलरिटी नहीं है, पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है, बट डिपेंड करता है कि किसको कितना ज्यादा डेवलपर पसंद कर रहे हैं, अभी रिएक्ट बूम पे है, ओके। अगर आपने ES6 और ES6 के आने वाले जितने भी अपग्रेड वाले चीजें सीख ली, तो उसके बाद में आपको इन सारे फ्रेमवर्क्स पे लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स लॉन्च किया है, और इसके अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, और सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे हम, और बेसिक अगर आपको नहीं आता तो बेसिक का आपका कोर्स ऑलरेडी मैंने बना के रख रखा है, आप जाएं लिंक में जाके आप बेसिक कोर्स देख भी सकते हैं, ओके। तो ये है गाइज इंट्रोडक्शन वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं, किस टॉपिक को हम कवर करेंगे, हम कवर करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स को, अभी तक मैंने वेरिएबल्स पीछे बेसिक में ही आपको पढ़ाया था, बट एडवांस में वेरिएबल्स के लिए भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं, जो कि मैंने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट जब आपको जावास्क्रिप्ट के दिए हैं उसमें भी यूज करें, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही था कि आपको वो समझ में ही नहीं आ रहे कि वो काम कैसे करते हैं, तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के ऊपर पार्ट 2 होने वाला है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।